Ladies and gentlemen, presenting the Almost Famous! हम हो गए हैं हाजिर विद अनदर एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट फेमस। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, वो एक रियलिटी शो में जाके हो गई हैं मोस्ट फेमस। उन्हें लोगों ने टैग कर दिया है साइको। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा मिश्रा। सो इज पूजा मिश्रा रियली क्रेजी और इज द वर्ल्ड अराउंड हर क्रेजी? अभी पता लगाते हैं। आपको यहाँ पर कोई भूत प्रेत नजर आ रहे हैं? नहीं। Do I look possessed to you? Not yet. Why? Come on, Simi. Being in the show business, तैयार होने में टाइम तो लगता ही है, और आदमी तैयार कहाँ हो? Obviously, in the washroom. You're talking about the famous toilet incident. Yes. I got your point. Excuse me, move on now from that. Let's go see my clothes. Let's move. Okay, Pooja, here we are. Yes, here it is. My clothing line called Spare Me. Well, if they spare you, तो आपके कपड़े कोई नहीं खरीदेगा। Well, actually, मैंने आपको बताया that Spare Me has become such a catchphrase that I couldn't resist. सब लोग अब Pooja Mishra को एक और नाम से जानते हैं, which is also Spare Me. एक बार आप शो पर जोकर बन गई थी, आपने वो सब मेकअप लगाई थी। तो जब मैं अमेरिका में रहती थी, वहाँ पे एक रियलिटी स्टार थी एना निकोल स्मिथ, और उनके बॉयफ्रेंड स्लैश हस्बैंड ने उन्हें बहुत सारी ड्रग्स दे दी थी, एंड वो बेचारी को पता नहीं था, और वो क्लाउन बनके ऐसा मेकअप करके अपने बच्चे को स्ट्रोलर में घुमा रही थी, एंड दैट वीडियो बिकेम वेरी फेमस और इनफेमस इन अमेरिका। तो आपने वो वीडियो देखा है कहीं पे? आपकी इंस्पिरेशन एना निकोल स्मिथ से आई? आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, I was not on drugs जब मैंने वो जोकर का मेकअप लगाया था। बिग बॉस के घर के अंदर माहौल इतना सफोकेटिंग हो गया था, इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैंने वो पूरा गेटअप इसलिए किया था जस्ट टू एम्बैरेस माई को कंटेस्टेंट्स कि देखिए, मैं एक सुशील खुशहाल लड़की आपकी संगत में जोकर बन के रह गई। वेल, डॉली बिंद्रा ने आपको ड्रग्स के मामले में तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया था बिफोर यू केम आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस, लेकिन उन्होंने एक और एक्यूजेशन आप पे हर्ल किया था। उन्होंने मेरे शो पे कहा था कि एक बार आप एक पार्टी में थी और वहाँ पे आपको गुस्सा आया, आप टॉयलेट में गई, आपने पॉटी किया एक थैली में और उठा के किसी लड़के पे फेंक दिया एंड सेड दिस इज व्हाट योर वर्थ। Do you think I'd ever do that, Simi? I don't know, Pooja. I'm darling, main aapse koi bhi questions nahi puchu because I don't want to end up with a gift from the party. Rubbish. Bilkul bakwas. Main us tarah ki insaan hui nahi. Main itni aggressive in a negative way hui nahi. Ji haan, thoda bahut aggression sab mein hona chahiye. It's that will power that gets you everywhere. But I would never do something so uncouth and derogatory. पूजा, ये जंपर मुझे बहुत पहचाना लग रहा है, और मैं सोच रही थी इसे मैंने कहाँ देखा है, एंड आई थिंक आई कैन शेयर इट विद माय व्यूअर्स। आप लोग भी पहचान पाएंगे ये आपने पहले कहाँ देखा है? आई थिंक यू वोर इट फॉर द फिनाले एपिसोड। यस। एंड आपने इतने सारे जंपर्स क्यों पहने? यू लव जंपर्स, डोंट यू? यस, आई लव वेयरिंग जंप सूट्स बिकॉज दिस इज द फेमस वन, मोस्ट फेमस। वेल, बिकॉज यू नो इट एक्सेंचुएट्स योर हाइट एंड योर body, the curves and everything, and everybody tells me it looks fabulous on me, so I'm always in a jumpsuit. So this most famous jumper, ye aapne khud design kiya tha? Ji haan, bilkul. What not many people know about me is that I love spas. In fact, I remember last time jab main Singapore mein thi aur main ek massage kara rahi thi, main to so hi gayi, fir jab main uthi maine dekha, are ye to 1 ghante ki massage thi, 2 ghante beet gaye. तो मैंने अपनी मैस्यूस से पूछा दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, आप मुझे एक्स्ट्रा मसाज क्यों दे रहे हो? शी सेड, मेसी, योर स्किन सो सॉफ्ट, आई कांट गेट माय हैंड्स ऑफ, टाइम फॉर अ बैक रब।
Wow, is this relaxing? Decadent. ओके पूजा उठिए, बहुत हो गई रिलैक्सेशन और ये सिंगापुर नहीं है तो थोड़ी सी बातचीत हो जाए. ओके लेट्स गो, दिस इज फॉर यू. फॉरवर्ड. थैंक यू स्वीट. वेल पूजा, वेलकम टू ऑलमोस्ट फेमस. प्लेजर. पूजा, आपके जो फैंस हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो रियलिटी शो के बाद काफी महीनों के बाद यहाँ पे देख रहे हैं. सो हाउ डज इट फील पोस्ट द शो? Well, there is trauma after reality television because reality television can get very emotionally draining. Pooja, ek aapka bada popular phrase hai. You know what I'm talking about? Yeah. Spare me. Wow. To aap gaaliyan de rahi thi ya pyar kar rahi thi when you were saying that? Well, aapke liye maine lovingly bola. Jo mujhe pareshan karte hain unke liye kuch aisa hota hai. Spare me. But yes, spare me a catchphrase ban gaya hai and I believe log ab F off aur buzz off nahi kehte hain, wo bas bahut hi elegantly bolte hain spare me. In fact, log mujhe bolte hain that Big Boss season 5 ko hum the spare me season ki tarah yaad rakhenge because it was a hallmark. Aapka ek bahut hi cute phrase hota tha jo aap bahut baar TV par use karti hain. Wo kahan se phrase aa gaya aapka? Potty karo saaf karo, potty karo saaf karo. Yes, ये बेसिकली एक ट्रेंड सा था बिग बॉस के घर में. लोग एक दूसरे को कॉर्नर करते थे, परेशान करते थे, बकवास करते थे, फिर उसके बाद उन्हें बुरा लगने लगता था. सडनली उनकी कॉन्शियंस जो है वेकअप कर जाती थी एंड देन दे यूज्ड टू ट्राई टू मेक अप फॉर इट. पूजा, आप कहती हैं कि आपने गंदी गालियां जो हैं वो बंद करवा दी हैं. मे बी यू हैव अ पॉइंट देयर बिकॉज यस, आपका ये जो तकिया कलाम है स्पेयर मी, इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर यू नो यू आर गोइंग टू डिसएग्री, बट एज अ व्यूअर जब मैं वो शो देखती थी तो ऐसे लगता था कि पूजा मिश्रा को बहुत गुस्सा आता है, शी इज़ वेरी वायलेंट. तो आपको यहाँ पे मैं एक और बात शेयर करूँगी यहाँ पर कि जब भी आजकल मियाँ बीबी के झगड़े होते हैं एंड द गाय रियली वॉन्ट्स टू बी रूड टू हिज वाइफ, ही सेज डोंट डू अ पूजा मिश्रा ऑन मी. व्हाट अबाउट दैट? जैसे कि मैंने आपको बताया, आई वॉज अग्रेसिव ऑन द शो एंड वो इसलिए था क्योंकि मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था. कोई कसर नहीं छोड़ी थी और सब कंटेस्टेंट्स ने मुझे हैरान, परेशान, इंस्टिगेट करने के लिए. तो इट वॉजंट रियली अग्रेशन इफ़ यू गो टू सी, इट वॉज सर्वाइवल. तो अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को बोल रहे हैं दैट यू नो डोंट डू अ पूजा मिश्रा ऑन मी, आई एम श्योर देयर वाइव्स आर सर्वाइविंग देयर हस्बैंड्स प्रीटी वेल. दैट्स व्हाई द हस्बैंड्स आर गेटिंग रादर इनसिक्योर एंड सेइंग डोंट डू अ पूजा मिश्रा ऑन मी. व्हाई डू यू फील कि सिर्फ आप ही के ऊपर ये अटैक्स हो रहे थे, सिर्फ आप ही को टारगेट किया जा रहा था, देयर वर अदर कंटेस्टेंट्स वहां पर? वेल, आई वाज बीइंग टारगेटेड, इट वाज प्रीटी ऑब्वियस. एंड ये सब एक कंस्पिरेसी जैसी थी जो ब्रॉडली स्क्रिप्टेड भी थी. ऐसा भी बोला गया है कि पहले कभी ना कोई था और आगे कभी ना कोई होगा सिवाय पूजा मिश्रा के, जो एक सिंगल ऐसी कंटेस्टेंट बिग बॉस में है जो सचमुच में रियल थी. जब आप अंदर थी तो डॉली बिंद्रा मेरे शो पर आई थी और उन्होंने कहा कि पूजा मिश्रा इज ट्राइंग टू बी डॉली बिंद्रा एंड इट्स नॉट पॉसिबल. तो इट्स वेरी सिमिलर व्हाट यू आर सेइंग कि ना मेरे जैसे कोई है ना होगा, एंड डॉली बिंद्रा क्लेम करती हैं कि आप उनको कॉपी करती थी. ये बात मैंने नहीं कही, ये मैंने प्रेस आर्टिकल्स में कई बार पढ़ा है दैट देयर हैज नेवर बीन एंड विल नेवर बी अ रियल कंटेस्टेंट ऑन बिग बॉस अगेन एक्सेप्ट फॉर पूजा मिश्रा. तो ये बात जब मैंने पढ़ी तब मैंने रियलाइज किया कि आई वॉज जस्ट बींग माई सेल्फ. बट सारे जो बाकी के कॉन्टेस्टेंट्स थे सब क्यों कन्विंस हो गए दैट यू आर साइको? हाउ डिड एवरीबॉडी स्टार्ट कॉलिंग यू दैट? वेल, बिकॉज दे सॉ मी एज अ बिग कॉम्पिटिशन. इन फैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा, मुझे 6 बार नॉमिनेट किया गया था एंड ऑल 6 टाइम्स द पब्लिक डिड नॉट वोट मी आउट.
यू नो सो इस बात को लेके सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही इनसिक्योर थे दैट द ऑडियंस आर टेकिंग टू पूजा मिश्रा दे आर लाइकिंग हर सनी लियोनी और आपका अगर कंपैरिजन किया जाए तो व्हाट डू यू फील शी इज लेफ्ट नथिंग टू द इमेजिनेशन जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आर यू सिंगल राइट नाउ डोंट आस्क मी आर यू रेडी टू मिंगल प्रेजेंटिंग द ऑलमोस्ट फेमस अगर हम सेक्स क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम उम्फ फैक्टर की बात करते हैं तो देयर वाज सनी लियोनी ऑन द शो एंड यू हैव बीन अ बिकिनी मॉडल यू बीन डूइंग कैलेंडर्स जैसे कि मैंने अभी कहा तो सनी लियोनी और आपका अगर कंपैरिजन किया जाए तो व्हाट डू यू फील वेल आई डोंट थिंक दैट यू कैन कंपेयर अ क्रो टू एन ईगल वाओ कैन यू सो यू थिंक शी इज सेक्सी सेक्स अपील इज नॉट सो मच अबाउट व्हाट यू रिवील It's more about what you conceal. Very well said. Well, as far as Sunny Leone is concerned, she has left nothing to the imagination. Unhone andar se bahar sab kuch to dikha diya hai. So I really don't know what is left to see. Ek aam aadmi jo apni mehnat ki kamai kamata hai, box office pe jaakar unhe बड़े पर्दे पे देखने के लिए क्यों स्पेंड करेगा व्हेन ही कैन सिट इन द कंफर्ट ऑफ हिज बेडरूम एंड वॉच अपॉन वीडियोस ऑन द इंटरनेट आप ही बताइए डू यू थिंक सनी लियोनी हैज एनी चांसेस ऑफ मेकिंग इट इन बॉलीवुड Unfortunately, the Indian media carries such a chip on its shoulder. जहाँ तक हमारी Indian media है, वो foreigners को लेके इतने excited हो जाते हैं, उन्हें Queen Elizabeth बना देते हैं, and I find that ridiculous. आपको लगता है कि ये obsession सिर्फ media की है? Maybe it's the whole nation. Maybe it's the film producers. वहाँ पर media नहीं गया था, वहाँ पर महेश भट्ट गए थे, literally begging her to do that movie. आपको नहीं लगता कि वहाँ पे Bollywood उनके पीछे भाग रहा था? It's not the media if you ask me honestly I feel Sunny Leone is nothing but a flash in the pan Pooja pichli baar jab hum baat kar rahe the aapne apni personal life ke bare kuch share kiya I would like you to share that with our viewers aap mujhe bata rahi thi ki you have never dated an Indian man why is that well yes Simi I have never dated an Indian man ye aap keh sakte hain ki wheel of fortune kuch aisa ghuma hai meri zindagi mein कि आई हैव नेवर रियली मेट अ लाइक माइंडेड इंडियन मैन आपको शायद ये बात पता होगी आई एम अ वर्कहोलिक यू नो आई वर्क 24/7 पूजा अभी आपने कहा कि जो इंडियंस हैं या जो बॉलीवुड है या मीडिया है वो हमेशा फॉरेनर्स के साथ इतना ऑब्सेस हो जाता है तो थोड़ा आयरॉनिक नहीं है कि आप ये इल्ज़ाम लगाने के बाद यू आर सेइंग दैट यू हैव नेवर डेटेड एन इंडियन मैन Why don't you make me meet a nice Indian man? You know what? Then I'm ready to come out of this. Absolutely. But मुझे ऐसा लगा that Indian men are very insecure, and you know they tend to take their women for granted. वो नहीं देख सकते कि उनकी girlfriend या wife उनसे ज़्यादा successful हो. तो हमारे व्यूअर्स जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं आपको देख रहे हैं एंड लाइक यू सेड कि यू फाइंड अ गाय फॉर मी आई कैन अश्योर यू दैट यू हैव लुक्ड सो सेक्सी ऑन दिस एंटायर एपिसोड दैट आई डोंट थिंक यू नीड एनी हेल्प इन दैट डिपार्टमेंट बट जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं आई एम श्योर राइट नाउ वो एक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आर यू सिंगल राइट नाउ आई एम एब्सोल्युटली सिंगल So I think that's a nice Now don't ask me are you ready to mingle Now that's too predictable for you Agar aap khud ko describe karti hain to what would you say in one line Well I would say I'm real Do you think guys find you sexy because aapki jo pictures hain kafi sexy hain aapne calendar shoots kiye hain sab kuch kiya hai so this wouldn't be possible right if you didn't feel sexy and you didn't think you were sexy Yes, because ek baat to hai Simi that I never tried to be sexy. As far as me having modeled for a bikini calendar is concerned, main aapko ek baat batana chahti hu ki main swimming ki intermediate champion reh chuki hu. Aur jab mujhe wo trophy di ja rahi thi, us samay bhi maine bikini hi pehen rakhi thi. To ye to main hypocrisy manungi ki agar aap trophy uthate samay bikini pehen rahe hain aur ek calendar mein nahi pehen sakte hain, I think that's contradictory. बट आपको ऐसे क्यों लगता है कि किसी ने ये एक्यूजेशन लगाई है कि वो नो बिकिनी नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट आई थिंक पीपल विल लव टू सी पूजा मिश्रा इन अ बिकिनी वेल आई वर्क रियली हार्ड ऑन माय बॉडी पूजा बॉलीवुड में आपका ड्रीम रोल क्या है
Well, मेरी एक चाइल्डहुड ड्रीम थी कि मैं यशराज फिल्म में एक लीड हेरोइन का रोल करूं। इनफैक्ट लोग मुझे यू नो फुसलाने भटकाने की कोशिश करते हैं, डिसिल्यूजन करने की कोशिश करते हैं दैट पूजा मिश्रा कैन नेवर मेक इट इनटू बॉलीवुड बिकॉज शी डजंट हैव अ गॉडफादर। मैं इसका जवाब ये देके बोलना चाहूंगी दैट हे यू, आई हैव गॉट क्रॉस ऑफ गॉडफादर्स। आपको पता है मेरे पास क्रॉस ऑफ गॉडफादर्स हैं और वो गॉडफादर्स व्यूअर्स हैं जो मुझे आज यहाँ पर देख रहे हैं। सो द रियल गॉडफादर्स आर द ऑडियंस। सो द पावर लाइज इन योर हैंड गाइज एंड ऑलवेज रिमेंबर आई लव यू। व्हाई डोंट यू आस्क मी वन क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू थिंक इज दैट वन यूनिक सेलिंग पॉइंट इन यू। वो आपने मेरे को बिकिनी कैलेंडर का जो बोला मेरे को उसके बारे में कुछ बोलना है। विल यू इंटरकट इट देयर? डोंट वरी, यू कैन टॉक अबाउट स्पेयर मी। आई विल गिव यू अ चांस टू से एवरीथिंग यू वांट एंड आई वांट यू टॉक अबाउट माय स्माइल। Presenting the almost famous. पूजा आप मेरे सामने आज यहाँ बैठी हैं और बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं, बहुत ही स्वीट लग रही हैं आप। इज दैट द रियल पूजा या फिर जो हमने वायलेंट पूजा को टेलीविजन पे देखा था कहीं पे वो झलक मुझे यहाँ दिख नहीं रही है। आर यू बींग वेरी डिप्लोमैटिक? आर यू बींग वेरी प्रॉपर? नो, I'm being myself. As far as Big Boss's house is concerned, जहाँ तक Big Boss के घर का सवाल उठता है, वहाँ पर मुझसे कहीं ज़्यादा violent लोग थे. And yes, I am pretty much like a lioness. And if hyenas and dogs are gonna paw me, what do you expect a lioness to do? She's not gonna turn around and mew like a cat. She's going to roar. Wow, meow. No, meow. It's like. At this point, I would just like to tell all the rumor mongers, Pooja Mishra ka naam apni zuban pe lane se pehle hazaar baar soch lijiyega. Unless, of course, you want to be axed by legal action. Jahan tak violence ka sawal hai, I think that I've clarified about me being violent. But yes, I'm guilty of one violence. And what is that? That I can kill you with my smile. Well, Pooja, I don't think you could have ended this show on a better note. You want to do your killer smile before I say bye to you again? Spare me, Simi. Enough. Spared. Thank you. Wow. So, jab Pooja Mishra ka dil chaha, unhone apne rivals ko khoob badnaam kiya. And now that the damage is done, she refuses to speak about them. What do you think of Mehak Chahal? Well, I think that I don't. जैसे कि आपने देखा, पूजा मिश्रा वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे ओनली द स्वीट साइड ऑफ हर एंड उन्होंने लाख कोशिश की टू हाइड द अदर साइड, बट नो वन कम्स ऑन ऑलमोस्ट फेमस एंड गेट्स अवे विदाउट रिवीलिंग ऑल दैट इज टू देम। बड़ी कोशिशों के बाद हमने पूजा के सभी पहलू दिखाए हैं। वो है फोकस्ड और फिर भी कंफ्यूज्ड, बट है एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड यस शी इज सेक्सी एंड ऑलमोस्ट फेमस। नहीं, वो आपने मेरे को बिकिनी कैलेंडर का जो बोला मेरे को उसके बारे में कुछ बोलना है। विल यू इंटरकट इट देयर? डोंट वरी, we did the trauma, we did the violin. You can talk about spare me and you can also talk about me being a self-made person. I don't have any godfather. Don't worry. I'll give you a chance to say everything you want about yourself. Okay. Let me just take this with the flow. Why don't you ask me one question that what do you think is that one unique selling point in you that the audience took to? I have asked you that. Huh, but we just did it. Usse mein answer nahi kiya na. Okay. And I want you to talk about my smile. You can say that, violent to aap hai hi. Then I'll say, why? I've made you understand, you know, I'm not really a violent person. So aap bol sakti hai, because you can kill with your smile. Acha, wo gana gana hai. Ek gana ga le. Gaiye. See, if so I have many revelations I'm making on your show. You know, I am working hard for the TRP, sweetheart. I'm revealing the image. Thank you, sweetheart. Maybe Pooja Mishra ke halaat aur unke rivals ne unhe itna defensive bana diya hai. Jab hum ye episode bana rahe the, unke rivals jo khud to bahut maze se Pooja Mishra ko attack karte hain, unhone hamare par khoob dabav dalne ki koshish ki ki Pooja Mishra unka naam bhi na le paye. To kaun hai sahi aur kaun galat, ye samajhna hai mushkil. All I can say is that ye sare ladte jhagadte celebrities deserve each other.